गुड मॉर्निंग क्लास 10th, होप यू ऑल आर सेफ एट होम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेसन नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दिस इज अ ऑटोबायोग्राफी, सो दिस इज रिटन बाय नेल्सन मंडेला। बिफोर यू रीड, अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो अपार्थिड जो है एक ऐसा सिस्टम था जो कि साउथ अफ्रीका में होता था। वहाँ पर जो पीपल्स थे उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अपार्थिड का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज बिलो हैड सच पॉलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली। तो ये जो है ये यहाँ पर 3 कंट्रीज दिए हुए हैं, तो इसमें से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से कौन से कंट्री में ये अभी चल रहा है, तो ये आप बता सकते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे आगे। हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ इसमें हम पढ़ेंगे कि नेल्सन मंडेला के बारे में और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसके बारे में। स्पेंड अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन प्रिजन। तो इन्होंने अपनी जो लाइफ टाइम था, इनकी ज़िंदगी जो थी वो इन्होंने इसी के अगेंस्ट फाइटिंग में गुजार दी थी, और वो 30 इयर्स के लिए प्रिजन में भी रहे थे, जेल में भी रहे थे। फाइनली डेमोक्रेसी इलेक्ट्स वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और फाइनली वो जो है उन्होंने यहाँ पर अपार्थाइड सिस्टम ख़त्म किया और फिर साउथ अफ्रीका में 1994 में वहाँ पर जो थे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं, जो जहाँ पर जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चुने जाते हैं बाय पीपल वोटिंग के थ्रू, जहाँ पर वोटिंग होती है और वहाँ पर फिर जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसे चूज किया जाता है बाय वोट्स। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। तो मंडेला जो थे वहाँ पर जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए थे, वहाँ पर अब तक कोई भी इनकी जैसा इनकी स्किन का कलर था, ब्लैक कलर था, थोड़े डार्क कलर के थे, तो ऐसा कोई भी अभी तक प्रेसिडेंट वहाँ पर नहीं बना था। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। और कैन यू गैस वॉट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गैस विद द न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994। तो जो है इसमें ये जो ऑटोबायोग्राफी है इसमें उन्होंने एक ओकेजन हुआ था वहाँ पर, एक हिस्टोरिक ओकेजन हुआ था उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ओकेजन क्या था। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि क्या ओकेजन था वो। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 कंट्री सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। तो अभी 3 सेंचुरीज बीत चुकी थी। ये देखिए 1 सेंचुरी होती है ऑफ 100 ईयर्स, तो 3 सेंचुरी बीत चुकी थी और नेल्सन मंडेला जो थे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो अब तक जो 3 सेंचुरीज बीत चुकी थी, अब तक कोई भी वहाँ पर जो ब्लैक प्रेसिडेंट नहीं बना था। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 250 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. तो अभी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने आउट ऑफ 400 सीट्स उनको 252 सीट्स बाय इलेक्शन मिल गई थी और उन्हें मेजॉरिटी मिल गई थी और वो प्रेसिडेंट बन गए थे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन पिटोरिया, टुडे अटेंड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये जो था इनॉग्रेशन सेरेमनी थी
और ये कहाँ पर थी, उस बिल्डिंग का नाम है यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर, और कहाँ पर है ये, पिटोरिया में है। ये आपको याद रखना है, इसके से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो है ये बिल्डिंग पिटोरिया में है, और जो सेरेमनी हो रही थी इनॉग्रेशन सेरेमनी वो यूनियन बिल्डिंग एमपी थिएटर में हो रही थी, जो कि पिटोरिया में है आज भी। और वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी, पॉलिटिशियंस आए हुए थे, तो वो मोर देन 140 कंट्रीज से आए हुए थे, जो अर्थ पे कंट्रीज़ हैं अलग अलग, तो मोर देन 140 कंट्रीज से वहाँ पर लोग आए हुए थे। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अब उन्होंने अपने जो स्पीच दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि अब आगे कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये जो हमारा ब्यूटीफुल लैंड है इसमें इस तरह का अपार्थिड की जो सिस्टम है वो दोबारा चले, या कोई भी इस तरह का ऑपरेशन हो जिसमें लोगों को परेशान किया जाए और उनको किसी बात को मानने के लिए मजबूर किया जाए। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्स celebrating together more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो वहाँ पर जो पिटोरिया की जो स्ट्रीट्स थी वहाँ पर सभी तरह के लोग थे, वाइट थे, ब्लैक थे, मीन्स सब मिक्सअप हुए हुए थे और सब इकट्ठा हुए हुए थे एक जगह पर, और सब वहाँ पर इतने सारे आदमी थे, सब अफ्रीका के सब आदमी थे, सब वुमेंस थी, सब चिल्ड्रन थे वहाँ पर, और सब एक साथ इकट्ठा हुए हुए थे और वो गाना गा रहे थे अपने अकॉर्डिंग, अपने रेस के अकॉर्डिंग, और डांस कर रहे थे खुशी से।